नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हिमाचल सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है, भरे जाएंगे 2500 पद। इन पदों को भरने के लिए आज कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिल चुकी है। तो कौन कौन से ये पद भरे जाएंगे, सभी के बारे में हम आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 2500 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 819 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इनमें JBT के 532, भाषा अध्यापकों के 35, शास्त्रियों के 133, TGT कला के 104, TGT नॉन मेडिकल के 8 और TGT मेडिकल के 7 पद शामिल हैं। ये सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा बैठक में पैरा कार्यकर्ता के 1578 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 417 पंप ऑपरेटर और 287 फीटर और 874 बहुदेशीय कार्यकर्ता शामिल हैं। इन पदों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 394 नई पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए विभाग की पैरा कार्यकर्ता की नीति के तहत भरा जाएगा। यानी कि IPH विभाग में ये सभी पद HPSSC के माध्यम से नहीं कि इन पदों को विभाग की ओर से भरा जाएगा। इसके साथ मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ टेक्नीशियन के 16 पद भरने का निर्णय लिया, जिनमें से 8 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और 8 पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने मंडी उपायुक्त कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 6 पद और सेवादारों के 7 पद भरने का निर्णय लिया है। बैठक में हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ और नागरिक न्यायालय बंजार, तीसा और सिलाई में नियमित आधार पर रिकॉर्ड कीपर के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा उद्योग विभाग में चालकों के 3 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपियो और नाहन में चौकीदार एवं सेवादारों के 4 पद और सफाई कर्मचारी एवं सेवादारों के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुन्नू को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में अपग्रेड करने और आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया। सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसाबण में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में चंबा जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बैली को राजकीय माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक पाठशाला धार को उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला परिहार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। सिरमौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय गढ़ोल पीरग और सिरमौरी मंदिर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई। इन विद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। सो दोस्तों, इन वैकेंसीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इन सभी पदों को भरने के लिए आज कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। तो जैसे ही इन वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।